हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विथ अनदर न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज भंडारा रखा गया है माता मंदिर में, सब जा रहे हैं। बेल आ गया था। और ये मौसी, मम्मी और दृष्टि आगे आगे, आंटी लोग हैं, आयुष भी आगे में देखे हंस रहा है। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। थक गई बेचारी, धूप भी बड़ी तेज है। इलाके भंडारा स्टार्ट हो गया है, बहुत कोई आए हुए हैं, उतना भीड़ भी नहीं है। मम्मी कहाँ है? दीदी कहाँ है? दीदी कहाँ है? दीदी मम्मी को खाए। अच्छा दीदी मम्मी खाए ना। दीदी दीदी पानी लेने आ रही है, देखिए। कोला का दुकान लगाया हुआ है। क्या जाना नहीं है क्या? जाएंगे जाएंगे। तुम तो बोल रहा है चल। ओए जाएंगे बोल दीजिए। क्या मार रहे हैं? ए आइस आइस आइस। तो गाय के पास ले जाए। बाय, आप रहिए ठीक। टाटा बाय बाय। लड़े हाँ से तो बार कष्ट खुशी ना लड़े। ए बेटा इधर को दृष्टि आइए आइए आइए। अभी दुकान बंद है। दृष्टि जाने ही नहीं खोज रही है। चलिए 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 चलिए। गाड़ी में आएंगे, गाड़ी में पापा के साथ आएंगे। फ्रेंड्स, मम्मी का आंचल ओढ़े हुए हैं, दृष्टि भी छिप गई है मौसी के आंचल में। छाव में आने से बड़ी अच्छा ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। खोलिए।
कहाँ जाना है? किसका जूता है? दीदी का जूता है। खोल लो। आप क्यों नहीं गए? हाँ खाली। आप क्यों नहीं गए? तबीयत खराब हो गया है। कूलर का ठंडा ठंडा हुआ भाई। बस क्या खाए मम्मम? खाए मम्मम? इधर आइए, इधर इधर इधर। मम्मम खाए? कैसे बेबे? क्या ये क्या है? ऐसे क्यों कर रहे हैं? जाना है। ए बेबी क्या है? कूलर बोलिए ना। क्या है? कूलर। अच्छा ये बता, मम्मा मम्मा ये किसका बुक है? नहीं है। अच्छा बताइए ना ये कौन? अभी नहीं बताइए ना। अच्छा अभी खोल दीजिए, फ्रॉक खोल दीजिए। अभी मैं खाने के लिए वहाँ पर नहीं गया। माता मंदिर के जगह आज भंडारण हो रहा है, तो देखा कि घर में भी सब्जी वब्जी बना नहीं है, सिर्फ चावल बना है, तो कसर है, तो मैं भी खा के आ जाता हूँ। और हो सके तो ये प्रसाद है, हो सके मेरा ये प्रसाद खा के तबीयत भी ठीक हो सकता है, माता का अगर आशीर्वाद रहे तो। तो चलिए मैं अभी फिलहाल अकेले जाऊँगा और थोड़ा सा जो भी चाल दाल चावल जो भी मिलेगा मैं खा के आ जाऊँगा। देखिए कैसे रो रही है दृष्टि, एकदम खा के आ गई है सब। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। और तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, इधर देख सकते हैं लगातार चल रहा है, अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, तो भोजन लग रहा है, जो भंडारण का आनंद मुझे भी मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं पंडाल की ओर जहाँ भंडारण हो रहा है। भंडारा का कार्यक्रम तो उधर लेडीज का चल रहा है, मुझे इधर भेज दिया, इधर जेंट्स का चल रहा है। देख सकते हैं इधर किस तरह से हमारे डीजल कॉलोनी माता मंदिर में बहुत ही अच्छा। प्लेट ले लेता हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स मैं ले लिया हूँ, फ्रेंड्स मैं भी खा लिया हूँ इसमें, और सभी लोग मेरा इंतजार कर रही होगी। तो चलिए चलते हैं रूम में और थोड़ा सा रूम में ब्लॉग बनाएंगे और फिर इसके बाद अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए रूम की ओर। फ्रेंड्स ये हमारा गली है,
आप लोग पहचाने होंगे इसमें, ये वाला गली में ये वाला जो लाइन है क्वार्टर का, कॉलोनी का ये जो लाइन है, आप लोगों को देख के जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि इस लाइन इस क्वार्टर इस कॉलोनी के लाइन पे मैंने बहुत सारा ब्लॉग बनाया हूँ, तो लोग देख के ज़रूर पहचान रहे होंगे। तो बस आने ही वाला है मेरा क्वार्टर, और ये चुनमुन हमारा साथ तो छोड़ती नहीं है कभी। ये देखिए हमारा क्वार्टर पहुंच गया गेट, तो चलिए देखते हैं सविता लोग सोई है या क्या कर रही है। गेट तो बंद है। सविता मैडम खोलिए, सो गए क्या? सविता दृष्टि सो गई। और ये देख रहे हैं ये मेरी सास है और इधर मौसी सास। और ये देखिए दृष्टि सो गई है। ओहो पूरा सो गई है। ठीक है ठीक है फ्रेंड्स, मजा आ गया खाने में। भंडारण माता पूजा का ये प्रत्येक वर्ष होता है, लेकिन दो वर्ष से बंद था एक कोरोना पेंडेमिक के कारण, तो और इस बार इसे गोल्डन जुबली भी मना रहा है, तो हर प्रोग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। और कुछ नया इस साल एडिशन किया गया है, जैसे डांस लगातार 3 दिन हुआ, एक दिन छोटे बच्चों का, फिर उससे बड़े, फिर आज कल कुछ धमाकेदार डांस हुआ। तो मैं तो नहीं गया था, लेकिन इस तरह से 7 दिन के बजाय इस साल 9 दिन का मेला का आयोजन किया गया है, तो आज लगभग सातवां दिन है, तो और 2 दिन बचा हुआ है कल और परसों। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हमारे ब्लॉग को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए, और हमारे ब्लॉग को यदि पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट, और आप यदि हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग नए वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।